चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मुंबई की खबरों में। आइए देखते हैं मुंबई में क्या कुछ हो रहा है खास। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विश्व भर में हो रहे आतंकी हमले का निषेध करने के लिए ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के मुंबई अध्यक्ष एसपी आहूजा ने एक रैली का आयोजन किया। इस रैली के जरिए एसपी आहूजा ने उन आतंकी संगठनों को चेतावनी दी, साथ ही लोगों से भी अपील की कि सभी को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। इस मौके पर कैंडल जलाकर तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देने की कोशिश की गई। ये रैली विट्ठलवाड़ी से लेकर आजाद मैदान तक निकाली गई थी, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं जो ये बिट्टा जी की तरफ से ये कार्यक्रम, ये श्रद्धांजलि का जो प्रोग्राम रखा गया है, हम लोग ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट की तरफ से यहाँ पे आए हैं ग्लोबल टेररिज्म के अगेंस्ट आवाज़ उठाने को। जो पिछले दिनों 22 मई को और 3 जून को जो हमले यूके में, इंग्लैंड में हुए हैं, उन हमलों के अगेंस्ट उसको हम कंडेम करते हैं और कंडेम करने के लिए हमने ये एक पीस कैंडल मार्च निकाला है। हम लोग यहाँ पे सीएसटी पे आए हैं, जो शहीदों का जो स्मारक बना है वो वहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए, हमारे शहीदों को भी अब याद कर रहे हैं। और दुनिया में जहाँ जहाँ आतंकवाद के खिलाफ जो लोग शहीद हुए हैं, जो जवान शहीद हुए हैं, जो परिवार जिनको तकलीफ हुई है, परिवारों के जो सदस्य शहीद हुए हैं या मारे गए हैं, ये इसके अगेंस्ट हमने आवाज़ उठाई है। और हमारे फ्रंट के जो मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी हमारे ध्रुव सहनी जी हैं, हमारे काजी साहब हैं, शिंदे भाई हैं, ललित जी हैं, राज जी हैं, जाजू जी हैं, सब यहाँ पे आए हैं आवाज़ उठाने के लिए, ये दिखाने के लिए। देखो, बिजनेस हम करते हैं, हम लोग सब बिजनेसमैन हैं, हमारी अपनी इंडस्ट्रीज हैं, ध्रुव की हैं, लेकिन ना, देश पहला है। देश के लिए हमने जो आवाज़ उठानी है, देश के प्रति जो हमने अमन शांति की आवाज़ उठानी है, हम सिर्फ मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानियों की संस्कृति इतनी मजबूत है। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बाप दादा परदादों के टाइम से जो संत महात्मा इस धरती पर पैदा हुए हैं, उनका जो खून, उनके जो आशीर्वाद हमारे ऊपर है, हम सारे दुनिया में अमन शांति चाहते हैं। और उस अमन शांति के लिए, दुनिया के अमन शांति के लिए, हमने ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने, जिसके नेशनल प्रेसिडेंट श्री MS बिट्टा जी हैं, उनके आदेश पे हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम बनाया है। एक कैंडल मार्च, पीस कैंडल मार्च हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। और हमने यहाँ पे आके देश के लिए जो हम 2400 घंटे, हम नहीं, हमारे पूरी नागरिक, हमारे पूरे जो सिटीजन्स हैं हिंदुस्तान के, तैयार हैं ये दुनिया को बताने के लिए हम, और ख़ास करके जो पाकिस्तान है, जिन्होंने ये आतंकवाद फैलाया हुआ है, हमारे 26/11 भी हम भूल नहीं सके और ना भूल सकेंगे, जहाँ हमारे जवानों ने, हमारी पुलिस फोर्स ने शहीदी दी उन कमज़ोर और जो नापाक लोग यहाँ आए थे हमारे इस पवित्र धरती पे, उसको हम, उनकी याद हम भी मनाते हैं। और हमें बिल्कुल ये उम्मीद है, और हम देश की रक्षा के लिए, हमको पता है कि फिर से ये आतंकवाद का हमला नहीं होगा। हमारे जो जवान हैं, हमारे जो नागरिक हैं, वो जाग चुके हैं और जागरूक हैं। बहुत दुख की बात है कि 26/11 के पहले और 26/11 के बाद आज तक आतंकवादी हमले सिर्फ भारत में नहीं, पर पूरी दुनिया में बहुत ही खराब तरीके से चलते जा रहे हैं। अगर बात करें पेरिस की, ब्रसेल्स की, या एक महीने के अंदर यूके में जो दो हमले हुए हैं, ये इतनी दुख की बात है कि इसका कोई अंत हमको दिख नहीं रहा है। और इसी के लिए यहाँ पे जो हमने आज पीसफुल कैंडल मार्च इसी के लिए निकाला है कि जो इनोसेंट लोग ये इंसिडेंट्स में, जिनकी
लाइफ हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ्स इन इंसिडेंट्स में. वी जस्ट वांट टू होप एंड प्रे कि ऐसे और आतंकवादी हमले आगे ना हो. और इसके लिए आई थिंक अभी सिर्फ भारत ही नहीं पर जितने भी दुनिया के लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स इन यूके एंड द वर्ल्ड वाइड आर नाउ वर्किंग टूवर्ड्स अ बेटर वर्ल्ड. इस मौके पर एसपी आहूजा ने मुंबई पुलिस का भी धन्यवाद किया. मैं एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन और आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन और कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. उन्होंने पूरा सहयोग दिया है और जो आवाज़ हमने आतंकवाद के खिलाफ उठाई है, उस जो हमने ये पीस कैंडल मार्च निकाला है, उसको बड़े प्यार से और शांति से हमने ऑर्गेनाइज किया है. उसमें हमारे मुंबई पुलिस का बहुत बहुत हाथ है. हम ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट की तरफ से, बिट्टा जी की तरफ से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद